आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम ढाबा स्टाइल चटपटे मज़ेदार प्याज के पराठे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आज ये पराठे बनाऊंगी ताकि हम जो प्याज की स्टफिंग बनाएंगे वो एकदम ड्राई बने और पराठे बेलते समय फटेंगे भी नहीं और बहुत ही बढ़िया भी बनेंगे। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़िया से मसालेदार प्याज के पराठे बनाना शुरू करते हैं। प्याज का पराठा बनाने की शुरुआत हम आटा गूंथने से करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा। ये नॉर्मल वाला आटा है जिससे हम रूटीन में चपाती बनाते हैं ना, वही वाला आटा है ये। इससे आज हम प्याज के पराठे बनाएंगे। अब हम आटे में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से पराठे का फ्लेवर नमकीन हो जाता है, अच्छा लगता है टेस्ट में। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथना शुरू करेंगे। सारा पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद उसका आटा गूंथ लेंगे और फिर जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। जब भी हम स्टफ पराठे बनाएं तो हमें आटा सॉफ्ट रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि सॉफ्ट आटे में स्टफिंग करते समय बहुत अच्छी स्टफिंग हो जाती है और पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। इसलिए आज हमें यहाँ पर सॉफ्ट आटा लगाना है। जैसा हम रूटीन में चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे, आटे को नरम रखेंगे। देखिए इस तरह का, देखिए मैंने यहाँ पर नरम आटा लगा लिया है। अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। आटे को गीले कपड़े से या किसी प्लेट से कवर करके 40 से 45 मिनट तक ढक कर रख देंगे, जिससे आटा सेट हो जाएगा। जब तक हमारा आटा सेट होता है हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 छिले हुए मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब हम प्याज की कटिंग करेंगे। पहले प्याज को बीच में से 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद ये प्याज का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसे ज़रूर निकालेंगे, ये खाने में अच्छा नहीं लगता, इसे हम साइड पे कर देंगे और प्याज की बारीक बारीक कटिंग करेंगे। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक कट करेंगे, इससे क्या होता है कि स्टफिंग भरने में आसानी रहेगी। मोटा प्याज होगा कटा हुआ तो वो साइड से निकल जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम आती है। प्याज को हम चॉपर में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि चॉपर में करने से उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और पराठे अच्छी तरह से स्टफ़ नहीं होंगे। स्टफ़ नहीं होंगे अच्छी तरह से तो फिर बेले भी नहीं जाएंगे और पराठा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम इनकी चाकू से बिल्कुल नाइफ से बारीक बारीक कटिंग ही करेंगे। इस तरह से हम इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए सारे प्याज की कटिंग हो चुकी है। तो प्याज में जो होता है ना, ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो कटिंग करने के बाद इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर और आ जाता है। तो इस मॉइस्चर को सुखाने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सूती कपड़ा लेंगे या किचन नैपकिन लेंगे, कोई भी नैपकिन या सूती कपड़ा लेकर उसके ऊपर हम ये प्याज डाल देंगे। इस तरह से कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे, इस तरह से, और इसको कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हम हाथ से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी सूख जाएगा, प्याज ड्राई हो जाएंगे और पराठे बनाते समय हमें बहुत आसानी रहेगी। इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए इन्हें अच्छी तरह से कपड़े पे रखकर फैला के ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद मैंने सारे प्याज एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें खूब सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे प्याज के अंदर। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा साबुत धनिया। इसको मैंने क्रश कर लिया है रोस्ट करके। इसका टेस्ट है ना प्याज वाले पराठे में बहुत अच्छा आता है। ये 1 टीस्पून है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अनारदाना पाउडर, इसकी जगह हम आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ देगी मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना प्याज को कलर देने के लिए, ये स्पाइसी बहुत कम होती है। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले का टेस्ट प्याज वाले पराठे में बहुत अच्छा आता है। आप पाव भाजी मसाला डालकर प्याज के पराठे बनाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एकदम फ्रेश कटा हुआ बारीक धनिया।
मैं आपको यहाँ पर एक टिप्स देती हूँ कि जब भी हम प्याज पराठे में धनिया का इस्तेमाल करें तो धनिया एकदम सूखा होना चाहिए, यानी कि हम धनिया को पहले धोकर एकदम सूखा लेंगे फिर प्याज में मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि प्याज गीले नहीं होंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने गौर किया होगा कि मैंने अभी तक इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक हम इसमें तब यूज़ करेंगे जब पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आज मैंने आपको तीन टिप्स दी हैं, एक ये कि प्याज को ड्राई करके यूज़ करेंगे, दूसरा धनिया भी ड्राई करके यूज़ करेंगे, और तीसरा नमक का इस्तेमाल प्याज में स्टफिंग बनाते समय पहले नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। इससे हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप इस तरह से बनाकर देखिए, आपके पराठे भी बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो ये लीजिए, हमारी प्याज की स्टफिंग तैयार है। इसे एक साइड पर रख देते हैं, और अभी तक तो हमारा आटा भी सेट हो गया होगा, इसे भी चेक कर लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर आटे को एक बार हम मुलायम कर लेंगे। इस तरह से नीड और फोल्ड की मेथड से इसे हम एकदम सॉफ्ट कर लेंगे, मुलायम कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। इस तरह का सॉफ्ट आटा तैयार कर लिया हमने। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अलग से एक बाउल लेंगे, और बाउल में हम थोड़ी सी स्टफिंग अलग से तैयार करेंगे नमक डालकर। इसमें मैं करीब 2 पराठों के लिए स्टफिंग अभी तैयार कर रही हूँ। सारी स्टफिंग में नमक एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी स्टफिंग अलग से लेंगे और उसमें नमक डालते जाएंगे। अब इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, और अब नमक को हम प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे हम उसी वक्त, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, इसे हम उसी वक्त मिलाएंगे नमक को जब हम पराठा बेलना शुरू करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि प्याज में मॉइस्चर आ जाएगा, यानी कि प्याज पानी रिलीज़ कर देते हैं जल्दी, तो पराठा हमारा अच्छी तरह से बेला नहीं जाएगा, फटेगा। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और इसका गोल पेड़ा बनाएंगे। पराठे के लिए हम पेड़ा थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जितना हम चपाती के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि इसमें स्टफिंग अच्छे से हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे अंगूठे और हाथ की उंगलियों से इस तरह से फैलाते हुए एक गोल कटोरी या दिए की शेप बना लेंगे। इस तरह से इसे हम जितना बड़ा हमें करना है उतना हम इसे फैला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे हाथ से थोड़ा गहरा कर लेंगे, और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। ये करीब 2 से 2.5 चम्मच स्टफिंग मैंने इसमें भर ली है। अब इसे हाथ से अंगूठे से अंदर की ओर करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, और साइड से आटे को ऊपर की ओर करते जाएंगे इस तरह से। स्टफिंग को दबाते हुए इस तरह से हम यहाँ से इसको बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको लॉक कर लेंगे ऐसे, ये देखिए। और अब इसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको हाथ से चकले पे रखकर हाथ से फ्लैट करेंगे। सब तरफ से अच्छी तरह फ्लैट कर लेंगे ताकि इसकी जो स्टफिंग है ये सब तरफ अच्छी तरह से बराबर फैल जाए। और अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हम बेलना शुरू करेंगे। ये प्याज का पराठा है, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस इसमें कुछ टिप्स का ध्यान रखेंगे हम तो हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बनेगा। इस पर अगर चाहे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं, बीच बीच में सूखा आटा लगाकर इसे बेलना शुरू करेंगे, लेकिन यही कोशिश करेंगे कि सूखा आटा कम से कम लगे। ये देखिए, मैंने इसका पराठा बेल लिया है। ये देखिए, ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बेला है। ये इसके ऊपर जो ये प्याज आते हैं ना, और ये जब सिकता है पराठा तो ये प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमारा पराठा कितना अच्छा बेलकर तैयार हो गया है, कहीं से भी फटा नहीं है, प्याज की स्टफिंग भी बाहर नहीं निकली, बहुत ही अच्छा बेला गया है। क्योंकि हमने इसमें नमक का इस्तेमाल बाद में किया है ना, इसीलिए पराठा बेलते हुए फटा नहीं है। आप भी इसी तरह से पराठे बनाइए, आपके पराठे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इस पराठे को फटाफट से सेक लेंगे। सेकने के लिए मैंने तवे को पहले से गर्म कर लिया है। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर इसे नैपकिन पेपर से साफ कर लेंगे। तवे को मैंने फुल फ्लेम पर गर्म करने के बाद थोड़ा सा सिम फ्लेम पर रखा है थोड़ी देर के लिए। अब हम इसके ऊपर धीरे से पराठा डाल देंगे। ये देखिए, अब गैस की फ्लेम को हम हाई कर लेंगे एकदम, और बीच बीच में फ्लेम को सेट करते हुए पराठे को सेकेंगे। ये पराठे के साइड पे किनारों पर थोड़ा सा घी लगाएंगे
घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं पराठे घी में बना रही हूँ। घी में पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनता है। किनारों पर घी डालने से ना इसके जो किनारे हैं अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं वे पराठे। थोड़ी देर तक जब सीख जाए तब हम इसका साइज चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पराठा किनारों से सीख गया है ना घी डालने से, बहुत ही अच्छा। थोड़ी देर तक जब सीख जाए तब हम इसका साइज चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आता है पराठे का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे, और जब दूसरा साइड भी थोड़ा सा सिक जाए तो फिर से हम इसका साइड चेंज कर देंगे और इस साइड पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अच्छी तरह से घी लगाएंगे पूरे पराठे के ऊपर, किनारों तक अच्छी तरह से घी लगाएंगे इस तरह से। और अब इसे फिर से साइड पलट देंगे इसकी, ताकि ये वाला साइड भी अच्छी तरह से सिक जाए। और अब दूसरी साइड पर भी घी लगाएंगे, पूरी साइड पे अच्छी तरह से घी लगा लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करते हुए किनारों से पराठे को सेक लेंगे। अब इसका फिर से मैंने साइड चेंज कर दिया है। ये देखिए पराठा बहुत ही अच्छा सिक गया है। जब पराठे दोनों तरफ से अच्छे सुनहरे गोल्डन से हो जाएं तब तक हम इसे सेकेंगे, और साथ साथ में ही गैस की फ्लेम को भी सेट कर लेंगे। कभी थोड़ा सा कम कर लेंगे, कभी हाई कर लेंगे। इससे पराठे हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। एक ही फ्लेम पर पराठे बनाते जाएंगे, जैसे कि फुल फ्लेम पर बनाएंगे तो पराठे हमारे जल जाएंगे, और अगर स्लो फ्लेम पर बनाएंगे तो वो जल्दी पकेंगे नहीं। जो गैस की फ्लेम है इसे सेट करते हुए हम पराठों को सेकेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हमारा पराठा बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम इसे तवे से उतार कर प्लेट में रखेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पराठा बना है। तो ये लीजिए प्याज के पराठे रेडी हैं। आप इन्हें चाय के साथ, मक्खन मलाई के साथ, बटर के साथ खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इन्हें चटनी या अचार के साथ भी खाइए तो ये बहुत ही स्वाद लगते हैं।